So hello all, in this video we are going to discuss certain questions based on Euclid's division algorithm. Some high level advanced questions based on Euclid's division algorithm. So let's try to understand this algorithm using this question. We have to find out HCF of 4052 and 12576, right? So we have to find HCF of these two numbers. So जो भी नंबर बड़ा हो दोनों में से उसको लिखो, सबसे पहले उसको लिखो 12576 बड़ा है दोनों में से तो उसको लिखेंगे इधर, इज इक्वल टू लगाएंगे फिर छोटे वाले नंबर को 4052। अब 4052 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये या फिर इससे जस्ट छोटी वैल्यू आए, तो रफ में डिवाइड करके देख लो 4052 डिवाइडेड बाय 12576 डिवाइडेड बाई 4052। तो जब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना होता है 12156। तो 12156 माइनस करते हैं तो आता है 420। तो 4052 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 420, तभी तो ये बनेगा। अब इस वाले नंबर को लिखेंगे यहाँ पे 4052 इज इक्वल टू 420 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो वापस डिवाइड करके देख लो 420 को रफ में 4052 डिवाइडेड बाय 420। तो जब हम इसको 9 टाइम्स करते हैं तो आता है 3780, माइनस करते हैं 272 बचता है, तो मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 272। अब वापस वही 420 को लिखेंगे यहाँ पे 272 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 1 करते हैं तो देखो करके देख लो 272 मल्टीप्लाई बाय 420 डिवाइडेड बाय 272, 1 टाइम्स 272, माइनस करेंगे 124 बचता है, 148 बचता है 148, तो मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। अब 272 को लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 148 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये या फिर इससे जस्ट छोटी वैल्यू आ जाए, 1 टाइम करते हैं तो रिमाइंडर में बचता है 124, रफ में करके देख सकते हो। फिर 148 को करेंगे, 148 को लिखो यहाँ पे 124 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 24, फिर 124 को लिखेंगे यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4, फिर 24 को लिखेंगे यहाँ पे, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 24, तो प्लस कितना बचेगा 0, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसका मतलब हमारा HCF क्या हो गया, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या हो गया HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। तो इस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करनी है, आप चाहो तो ये रफ में डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली स्टेप फॉलो करो। ये बड़े वाले नंबर को हमेशा यहाँ पे रखना है, इज इक्वल टू दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, फिर इसको लिखना है यहाँ पे, फिर इसको लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कोसाइन प्लस रिमाइंडर, फिर इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, फिर इसको इधर, फिर इसको इधर। इस तरह से हमको चेन ऑफ सीक्वेंस को फॉलो करना है जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना बच जाए। तो द मोमेंट वी गेट रिमाइंडर ज़ीरो दैट नंबर विल बी HCF। सो HCF ऑफ दीज टू इज़ 4। इसी में सेकंड क्वेश्चन आता है, अगर हमको 3 नंबर दिए हुए हों और तीनों का HCF निकालना हो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, तो वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें पेयरिंग कर लो, पेयरिंग करके 2 नंबर्स का HCF निकाल लो पहले, जैसे हम लोग पहले कर लेते हैं 567 और 441। तो 567 और 441 का HCF निकालते हैं पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो बड़ा कौन सा है दोनों में से, बड़ा 567 है, उसको लिखेंगे यहाँ पे 441 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा 126। जब भी 441 को 567 को 441 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 126। फिर 441 को लिखो यहाँ पे, 126 को लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे प्लस रिमाइंडर बचेगा 63। फिर 126 को लिखो यहाँ पे, या आप रफली भी कर सकते हो, 126 को यहाँ पे 63 को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2 प्लस रिमाइंडर बच रहा है 0। तो दोनों का HCF कितना आ गया 63, राइट। सो HCF ऑफ 441 कॉमा 567 इज इक्वल टू 63। तो दोनों का जब HCF 63 आ गया
तो अब हमको क्या निकालना है, 63 और थर्ड नंबर का एच सी एफ निकाल दो। तो एच सी एफ अब क्या निकालना है, 63,693 का एच सी एफ। दोनों का एच सी एफ निकालेंगे तो 693 को लिखो यहाँ पे, 63 को लिखो यहाँ पे, राइट। 693 को हमने लिखा यहाँ पे, 63 को लिख, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, 693 प्लस 0 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ एच सी एफ, तो एच सी एफ ऑफ 63,693 वो कितना आया, 63। तो इसका मतलब तीनों का एच सी एफ कितना आएगा, 441,567,693 इज इक्वल टू 63। तो ये कितना आ गया, 63 एच सी एफ। तो करना क्या है, पहले दो का एच सी एफ निकाल दो, फिर जो भी आंसर आए, जो भी एच सी एफ आया उसका थर्ड वाले के साथ एच सी एफ निकालो। तो इस तरह से हम लोग एच सी एफ निकाल सकते हैं तीन वैल्यूज का भी। आप चाहो तो इन दोनों का पहले पेयर बना लो, फिर जो एच सी एफ आया उसका और इस वाले का एच सी एफ निकाल दो। तो कैसे भी आप पेयर बना के पहले दो का एच सी एफ निकालो, फिर उसका जो एच सी एफ आया उससे थर्ड वाले का एच सी एफ निकाल दो। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये सेकंड कैटेगरी था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। क्या था नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो इसका मतलब उस नंबर, वो नंबर निकालना है जो कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करे और रिमाइंडर बचाए 5। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दोनों को रिमाइंडर को माइनस कर दो इनमें से। 245 माइनस 5 कितना हो गया, 240। 1029 माइनस 5 कितना हो गया, 1024। अब हमको क्या करना है, 240 और 1024 का क्या निकालना है, एच सी एफ। तो फाइंड एच सी एफ ऑफ 240,1024। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 1024 को लिखो यहाँ पे, 240 को लिखो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचता है, 64। तो अब लिखेंगे 240 को यहाँ पे, 64 को यहाँ पे। अब 64 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 48 रिमाइंडर तो आएगा 240। 64 को लिखेंगे यहाँ पे, 48 को लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1। अब 64 में से 48 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 16। फिर 48 को लिखेंगे यहाँ पे, 16 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 48। तो प्लस बचा रिमाइंडर 0। तो कितना आया एच सी एफ, तो एच सी एफ कितना आया हमारे पास, 16। तो वो नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, 16। तो 16 डिवाइड्स 245 एंड 1029 एंड लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो ये था हमारा थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, जिसमें हमको रिमाइंडर दिया हुआ हो। नेक्स्ट कैटेगरी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, इधर आएगा विच डिवाइड्स 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। तो अब की बार रिमाइंडर्स अलग अलग है तो माइनस भी अलग अलग से कर दो। तो 398 माइनस 7, 391, 436 माइनस 11, 425, 542 माइनस 15, 542 माइनस 15, 527। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इन तीनों का हमको क्या निकालना है, एच सी एफ। तो जब हम, आपको मैंने बताया था अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में, एच सी एफ तीन नंबर्स का कैसे निकालते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। किसी दो का एच सी एफ निकाल लो, फिर उसका जो एच सी एफ है उसको थर्ड वाले के साथ एच सी एफ निकाल दो। तीनों का जब हम एच सी एफ निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 17। तो मतलब 17 वो नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर बचाएगा ये। तो एच सी एफ आप निकाल सकते हो, किसी दो का एच सी एफ निकालो फिर थर्ड वाले के साथ उसका एच सी एफ निकाल दो। तो ये था फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन इज, जब भी हमको दिया हुआ हो, इफ द एच सी एफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म फाइंड वाई। तो पहले हमको एच सी एफ निकालना पड़ेगा। तो एच सी एफ निकालते हैं किसका, 210 एंड 55। तो वही 210 बड़ा है उसको इधर लिखेंगे, 55 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 45। रफ में करके देख सकते हो, 55 को लिखेंगे यहाँ पे, 45 को यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। फिर 45 को लिखेंगे यहाँ पे, 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5। फिर 10 को लिखेंगे यहाँ पे, 5
फाइव मल्टीप्लाई बाय टू प्लस जीरो, तो एच सी एफ कितना आया, फाइव। तो एच सी एफ इसका इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो सकता है, तो फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, 210 मल्टीप्लाई फाइव प्लस 55 वाई, राइट, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से 55 वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 माइनस 210 मल्टीप्लाई फाइव, राइट। 210 मल्टीप्लाई फाइव 1050 होता है, तो 5 माइनस 1050 कितना हो गया, 1045 माइनस का इज इक्वल टू 55 वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1045 अपॉन 55, तो वो कितना आ गया हमारे पास, माइनस 19। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 19। तो ये कई बार हमको ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन कि एच सी एफ को एक्सप्रेस किया गया इस फॉर्म में, तो वेरिएबल की वैल्यू बताओ। तो हमने यहाँ पे पहले एच सी एफ निकाला और फिर वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये लास्ट कैटेगरी, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 81 एंड 237 एंड एक्सप्रेस इट इन द एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। तो सबसे पहले फाइंड द एच सी एफ कह रहे, तो एच सी एफ निकाल दो पहले। तो एच सी एफ कैसे निकालेंगे, वही 237 इज इक्वल टू 81। अब 81 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस रिमाइंडर बचेगा 75। फिर 81 को लिखेंगे यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, फिर 75 को लिखेंगे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3, फिर 6 को लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। तो एच सी एफ कितना आया, 3, एच सी एफ आया 3। अब एच सी एफ हमको पता लग गया, अब एच सी एफ को हमको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, इसमें 81 और 237 की फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना हमको, यहीं से रिवर्स चलना स्टार्ट करो। तो रिवर्स चलना स्टार्ट करते हैं, अब हमको पता है कि ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 को क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से 75 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख सकते हैं ना, इस 6 मल्टीप्लाई बाय 12 को इधर ले गए, 75 माइनस 6 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 6 को क्या लिख सकते हैं, 75 माइनस 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 81 माइनस 75 मल्टीप्लाई 1, ये लिख सकते हैं, वही सेम प्रोसेस, 81 माइनस 75 मल्टीप्लाई 1, और ये 12 एज इट इज, राइट। फिर वापस अब हम इस 75 को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो ये कितना है, 75 माइनस 81 मल्टीप्लाई 12 माइनस 75 मल्टीप्लाई 12, तो ये 1275 है, ये 175, तो ये कितना हो गया 13। अच्छा ये माइनस था बाहर, तो ये बीच में प्लस आएगा, तो ये कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाई 75 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना आ गया, 3। कुछ नहीं किए, 12 मल्टीप्लाई 81 ये रहा, 12 मल्टीप्लाई माइनस 75 ये रहा, माइनस बाहर था इसलिए साइन चेंज हो गए। 75 मल्टीप्लाई 12 प्लस 75 कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाई 75, और ये एज इट इज। अब हमको क्या 237 चाहिए और 75 को हमको एलिमिनेट करना है, तो हम 75 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन 75 को क्या लिख सकते हैं, 237 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 237 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 12 एज इट इज़। तो ये कितना हो गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 237 माइनस 13 मल्टीप्लाई 2 26 मल्टीप्लाई बाय 81 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 13 मल्टीप्लाई बाय 237 माइनस, अब माइनस 26 मल्टीप्लाई 81 माइनस 81 मल्टीप्लाई 12, तो 26 प्लस 12 कितने हो गए, 38 मल्टीप्लाई बाई 81 हो गया ये, राइट। तो ये हमने यहाँ पे किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, इसको लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 237 एक्स माइनस 81 वाई, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 13, वाई की वैल्यू क्या है, 38। तो ये हमारा आंसर हो गया, मेन जो फाइनल आंसर है। कुछ नहीं किया हमको, लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना था किस में, 81 और 237 में, तो 3 को कन्वर्ट करना है, 3 को स्टार्ट करें यहीं से, 3 को क्या लिख सकते हैं, 75 मल्टी माइनस 6 मल्टीप्लाई 12, फिर 6 को कन्वर्ट करें, 81 माइनस 75 मल्टीप्लाई 1, फिर 75 को कन्वर्ट करें, 237 माइनस 81 मल्टीप्लाई बाय 2। एक बार आप खुद करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, हर एक स्टेप को हमने यहीं से यूज़ किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये था हमारा एक और कैटेगरी, एच सी एफ और एल सी एम का।
I hope it is clear to you. So that is all for this video. So I hope this Euclid's division algorithm is clear to you all. For more practice questions, I'll give you more practice questions so you can solve these questions. So you can pause the video to solve these questions. So these are some extra questions based on the questions we did in this video. So thank you all. Hope to see you there in the next video. Bye bye. Take care.